दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। तो फाइनली दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है हमारे कॉलेज के जितने भी छात्र हैं, BA, BSc, BCom या फिर MSc, MCom कर रहे हैं। तो ये जो अपडेट मैं देने वाला हूँ आपको खुशियों से अंदर से भर देगी, क्योंकि आपके लिए खबर ही ऐसी है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो के लिए आप लोग फटाफट गुड न्यूज़ के लिए लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए विजिट कर रहे हैं चैनल पे, और सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि फ्यूचर में आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपडेट आए तो आपके अपने चैनल के थ्रू अपडेट आपको मिल जाए और नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। ठीक है, चलिए ज्यादा आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक चलते हैं, पूरी अपडेट आपको बता दिया जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्टार्ट करें। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप BA, BSc, BCom या फिर MSc, MCom के छात्र हैं, और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कोई भी आप विश्वविद्यालय से अध्ययन करें, कोई भी एफिलिएट कॉलेज से, आप प्राइवेट कॉलेज से, मतलब कोई भी विश्वविद्यालय से आप अध्ययन कर रहे हैं, यूजी पीजी सभी छात्रों के लिए जो है वो खुशखबरी मैं आपके बीच शेयर करने वाला हूँ, मतलब सभी के लिए अपडेट है। ठीक है, नॉर्मली किसी एक स्पेशली किसी एक वीडियो को मतलब कह सकते हैं किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशली अपडेट नहीं है। तो देखिएगा, यहाँ पर सशक्तिकरण के लिए वितरित किए जाने वाले टैबलेट स्मार्टफोन के आवंटन में तेजी आई है। जी हाँ दोस्तों, आगे और खुशखबरी, अच्छी महा खुशखबरी आपको मिल सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए, जो टैबलेट स्मार्टफोन है इसके आवंटन में बहुत तेजी आई है, और गुरुवार को जो है 19,629 टैबलेट स्मार्टफोन जो है वो शिक्षण संस्थानों को वितरित किए गए हैं, और इसमें 9,908 टैबलेट और 9,721 स्मार्टफोन शामिल हैं। गुरुवार को सर्वाधिक जो है वितरण जो है वो कराया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 4,728 स्मार्टफोन शिक्षण संस्थानों को आवंटित किए गए हैं, और यहाँ पर जिले जो विद्यालय निरीक्षक हैं डॉक्टर RJ मौर्य, उन्होंने बताया है कि 9,908 टैबलेट तथा 9,721 स्मार्टफोनों को विद्यालयों में दे दिए गए हैं, विश्वविद्यालयों में दे दिए गए हैं। ठीक है, और बाद में विद्यार्थियों को जो है वितरित कराया गया, जिन संस्थानों को स्मार्टफोन जगह टैबलेट आवंटित कर दिए गए थे उनमें से ज़्यादातर के टैबलेट रिकवर करते हुए स्मार्टफोन दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर स्मार्टफोन और टैबलेट जो बांटने की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे बहुत तेजी से आप रंग पकड़ती हुई नजर आ रही है पुराने जैसे। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं आपको बताया था कि एक साल के अंदर यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है सभी बच्चों को जो यूजी पीजी कर रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, उनको 55 लाख तक जो है वो स्मार्टफोन टैबलेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए, और उसी के क्रम में यहाँ पर डे बाई डे स्पीड बढ़ती जा रही है, और डेली के मतलब कह सकते हैं कि जो इंक्रीज है परसेंटेज है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, जिनको भी अभी स्मार्टफोन टैबलेट नहीं वितरित किए गए हैं वो एक बड़ी जरा कमेंट बॉक्स में अपना नाम और साथ में कौन से आप विश्वविद्यालय से हैं, कौन से जिले से हैं, उसको आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और आप हमें जवाब दे सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, फॉलो आप कर लीजिए टेलीग्राम, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पर मिल जाएगा, लेकिन स्पेशली हमें इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करोगे अगर हमारे पास अपडेट भी आएगी कि भाई इस विश्वविद्यालय की आपको स्मार्टफोन टैबलेट बटने जा रहे हैं, वहाँ पर एक बारी मैसेज कर दीजिएगा आप लोग कि सर हम इस विश्वविद्यालय से, कोई अपडेट आएगी बताइएगा तो मैं आपको वहाँ पर ही शेयर कर दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो जानकारी आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी डाउट से क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक बहुत ख्याल रखिएगा, आप सभी ने वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।